अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरग्लेड्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो बड़ी मिस्टेक्स बताऊंगा जिसकी वजह से हर साल सिर्फ एक दो नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स का एडमिशन यूईटी में इस वजह से रह जाता है क्योंकि उन्होंने दाखिला के लिए जब वो अप्लाई कर रहे होते हैं एडमिशन के लिए, उसमें ऐसी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं वो कि उनका एडमिशन, अगर वो सही अप्लाई करते तो उनका एडमिशन हो जाना था, लेकिन गलत अप्लाई करने की वजह से उनका एडमिशन नहीं हुआ या उस फील्ड में हो गया एडमिशन जिसमें वो नहीं चाहते थे। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है ये वीडियो, लेकिन आप लोगों ने पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा इस चैनल के ऊपर, ताकि आप लोग कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है वो मिस ना करें। जी हाँ, तो स्टूडेंट, जब आप लोग यूटी लाहौर के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे, यहाँ पे तमाम तर तरीके का दिया हुआ है यहाँ पर भी यूटी की वेबसाइट पर भी, तो आप लोगों ने जो सबसे ज्यादा केयर करनी है वो प्रेफरेंस लिस्ट को सिलेक्ट करते हुए करनी है। फॉर गॉड सेक, मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ किसी से पूछ लीजिएगा, मुझसे आप लोग जो है इंस्टाग्राम की जो हमारी ऑफिशियल आईडी है everglades.academy.pk उसके ऊपर मैसेज करके मुझसे पूछ लें, या अपने घर में किसी बड़े से पूछ लें, या आपके ख़ानदान में कोई भी बंदा जो पहले यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे बताया जाए कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, क्योंकि ये वो मरहला होता है कि हम लोग आंखें बंद करके जब इस प्रेफरेंस लिस्ट को बनाते हैं और फिर जब वो यूटी का जो ऑटोमेटिकली जो एक एल्गोरिदम होता है वो जब चलता है तो आप लोगों का नाम उस फील्ड में नहीं आता जिसमें आप लोग चाह रहे होते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो चीज़ समझाऊंगा अभी इस वीडियो के अंदर। तो लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, अगर कोई आपके घर में बड़ा है जिसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो उससे पूछ लें, अगर नहीं है तो फिर आप मुझे मैसेज करके मुझसे आप लोग जो है पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, एक बात का आप लोगों ने ख्याल करना है कि जब आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर सबसे पहला नंबर उस प्रेफरेंस में उस डिपार्टमेंट का होगा जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है दाखिले का। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो इंटरेस्ट है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर है, तो मैंने सबसे पहले नंबर के ऊपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर मेरा इंटरेस्ट, मैं कहता हूँ कि मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मैकेनिकल में है, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर है, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में है, फॉर एग्ज़ाम्पल। अब क्या होगा, आपने सबसे पहले मैकेनिकल को रखा, फिर कंप्यूटर को रखा और फिर सिविल इंजीनियरिंग को आपने रख दिया, और जब यूटी लाहौर की मेरिट लिस्ट लगेगी तब आप लोगों का नाम सबसे पहले जो है जो कम मेरिट वाला होगा उस प्रेफरेंस में आएगा। फॉर एग्जांपल, जिस तरह कंप्यूटर का जो है वो मेरिट कम है, यूटी लाहौर के अंदर जो है वो सिविल का मेरिट ज़्यादा है, तो क्या होगा, आपका नाम जो आपने सेकंड प्रेफरेंस फॉर एग्जांपल कोई भी रखी हुई है, या फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी अभी आपको बताया कि कंप्यूटर रखी है, तो कंप्यूटर में आपका नाम आएगा। फिर अगर आपका मेरिट कम होता है इलेक्ट्रिकल का या मैकेनिकल का जो आपने फर्स्ट नंबर पर रखा है, तो आपका नाम ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि आपके लिस्ट में नाम जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ नाम जाएगा अकॉर्डिंग टू मेरिट। हाँ, अगर आपने ये गलती कर दी कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो कंप्यूटर है या कंप्यूटर को आपने पहले नंबर पे रख दिया है और आपने जो सिविल डिपार्टमेंट है या आप लोगों ने जो है कोई और हायर डिपार्टमेंट जिसका मेरिट हाई है उसको आप लोगों ने नीचे रख दिया है ये, और उसमें आपका इंटरेस्ट भी है जाने का, लेकिन उसको आपने नीचे रख दिया और कंप्यूटर को ऊपर रख दिया, तब होगा क्या कि जैसा कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट का मेरिट कम होता है तो पहली लिस्ट के अंदर या दूसरी लिस्ट में आपका नाम पहली प्रेफरेंस जो आपने रखी होगी कंप्यूटर वाली उसमें आके स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके बाद निचले वाली जो प्रेफरेंस लिस्ट है जिसमें आपका दिल भी ज़्यादा था सिविल के अंदर, अगर उसमें मेरिट आपका बन भी जाता है बाद वाली लिस्ट में, तब आप नीचे मूव नहीं कर सकेंगे। इस दफ़ा यूटी लाहौर ने वाज़े तौर पे ये लिखा हुआ है, हर दफ़ा उनकी पॉलिसी होती है कि नीचे आप मूव नहीं कर सकते, यानी कि आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं यूटी लाहौर की जो ऑफिशियल जो इनका नोटिस है इनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है कि नो रिक्वेस्ट फॉर फ्रीजिंग बाय अ कैंडिडेट एडमिटेड इन द लोअर प्रेफरेंस डिसिप्लिन वुड बी एंटरटेन्ड, द कैंडिडेट विल कंटिन्यू टू बी कंसिडर फॉर मूवमेंट इनटू हिज हायर प्रेफरेंस इन सब्सिक्वेंट मेरिट लिस्ट। ठीक है,
यानी कि ऊपर वाली प्रेफरेंसेस में आपका नाम जाता जाएगा और उसमें जो है वो नीचे की तरफ आप नहीं मूव कर सकते। स्टूडेंट्स, तो इसका एक सिंपल सा ही तरीका है कि सबसे ऊपर आप लोगों ने वो वाला डिपार्टमेंट लिखना है जिसमें आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने वो वाला डिपार्टमेंट लिखना है जिसमें उससे कम आपका इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद वो वाला डिपार्टमेंट लिखना है जिसमें आपका इंटरेस्ट उससे भी कम है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये तो वो बात हो गई प्रेफरेंस लिस्ट की, कि प्रेफरेंस लिस्ट आप लोगों ने बहुत ख्याल से बनानी है, चाहे वो यूटी लाहौर में आप अप्लाई कर रहे हैं, यूटी टेक्सला में अप्लाई कर रहे हैं, या कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो सिनेरियो होता है ये हर जगह अप्लाई होता है कि सबसे ऊपर जो है उस फील्ड को लिखा जाता है जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब आप प्रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे उसके आगे लिखा हुआ आएगा कैंपस, और कैंपस के आगे लिखा हुआ आएगा कैटेगरी। कैटेगरी आप लोगों ने बहुत ख्याल से सिलेक्ट करनी है। मैं एक दफा फिर यहाँ पे बता दूं, यूटी लाहौर ने ये बात वाज़े तौर पे लिखी हुई है अपनी एडमिशन पॉलिसी के अंदर कि अगर आप लोगों ने गलत आप लोगों ने कैटेगरी को सिलेक्ट कर दिया तो आप लोगों की एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी, यानी कि आप लोगों का एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है अगर आप लोगों ने कैटेगरी सही तौर पे सिलेक्ट नहीं की। मैं आप लोगों को सारी कैटेगरीज दिखा रहा हूँ, इनको समझा रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से समझें, ना समझ आए घर में किसी बड़े से पूछें, और या जो भी आपका कोई रिलेटिव है, कोई भी आपके फैमिली में है अगर तो उनसे पता करें कि ये किस तरह से मैं अप्लाई करूँ। कभी भी अगर नहीं पता आपको तो आंखें बंद करके अप्लाई नहीं करना आपने, ठीक है। आपके एडमिशन का मसला है, फिर आप लोगों ने ही कहना हो है बाद में कि सर मुझे पता नहीं चला। ये एक दफा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ हर साल मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ केसेस ऐसे आते हैं कि सर मुझे तो ये पता नहीं था कैटेगरी का, और मुझे जो है ये डिसिप्लिन का नहीं पता था, सर आपकी जो है वो वीडियो का मुझे नहीं पता था। तो ये चीजें आप लोगों के इस तरह के एक्सक्यूजेस बाद में नहीं आने चाहिए मेरे पास, आप लोगों को मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ। आप लोग अपने सामने स्क्रीन पे देखें जो यूटी लाहौर ने 2020 की जो कैटेगरीज दी हैं, आप लोग अपने सामने देख सकते हैं। A1 कैटेगरी किसको कहा जाता है? A1 कैटेगरी आपकी जो पंजाब के डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं, हैविंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन अदर देन डिप्लोमा, डिप्लोमा वालों के अलावा, वो है A1 ओपन मेरिट होता है, जिसपे हम लोग ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ओपन मेरिट पर ही अप्लाई करते हैं। तो यानी कि आप पंजाब का डोमिसाइल आपके पास है तो आपने जहरी बात है A1 कैटेगरी पे अप्लाई करेंगे। A1 कैटेगरी की जो फीस होती है वो कम होती है। वो क्यों कम होती है? क्योंकि आप ओपन मेरिट पे अप्लाई कर रहे होते हैं। उसके बाद है A1M। A1M कैटेगरी का मतलब है पंजाब डोमिसाइल के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल किया है, ठीक है, जिनकी क्वालिफिकेशन प्री मेडिकल के साथ है, वो जो है A1M कैटेगरी को अप्लाई करेंगे। अगर प्री मेडिकल स्टूडेंट्स ने A1M की जगह गलती से A1 को सिलेक्ट कर दिया तो उनकी एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है, ठीक है। स्टूडेंट, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये वो बहुत ही नाजुक पॉइंट्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो गलतियाँ आप लोग कर देते हैं और फिर उसके बाद उनका कोई भी सलूशन नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद आ जाती है A2 कैटेगरी, ओपन मेरिट सीट पार्शियली सब्सिडाइज, ठीक है। ओनली पंजाब डोमिसाइल कैंडिडेट हैविंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन कैन अप्लाई फॉर ओपन मेरिट सीट अंडर A2 कैटेगरी। ट्यूशन फीस पार्शियली सब्सिडाइज एंड देर इज नो प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। A2 कैटेगरी को आप कह सकते हैं कि ये सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी होती है, जिसमें जो है आप लोगों की फीस ज्यादा होती है और आप किसी भी किस्म की जो यूटी लाहौर के अंदर जितनी भी स्कॉलरशिप्स आते हैं, यूटी के अंदर बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आ रहे होते हैं, लाइक आप लोग जो है वो HEC स्कॉलरशिप होता है, यूटी की अपनी जो फी वेव की पॉलिसीज होती हैं उनमें आप लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन वो उस सूरत में आप एलिजिबल होंगे अगर आप ओपन मेरिट पर अप्लाई करते हैं। अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करेंगे, पैसे ज़्यादा भरेंगे, तो फिर आप लोग किसी किस्म की फाइनेंशियल एड को जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस को अवेल नहीं कर सकते। A2M कैटेगरी फिर वही बात है कि ये जो है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए होगी, प्री मेडिकल जो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर करना चाहते हैं। A3 कैटेगरीज जो है वो फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस, ठीक है, डिप्लोमा होल्डर्स आर ऑल्सो एलिजिबल, ठीक है। IBM यूटी लाहौर का ही एक इंस्टीट्यूट है जिसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। A3 कैटेगरी अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग इट मींस कि उसमें अप्लाई कर रहे हैं।
बी कैटेगरी जो है शुड बी अ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ सिंध प्रोविंस, डिप्लोमा होल्डर्स आर आल्सो एलिजिबल। बी कैटेगरी जो है वो सिंध के जो डोमिसल हैं वो उनके लिए ट्यूशन फीस में सब्सिडाइज होगी, यानी कि वो ओपन मेरिट पे ही होंगे। सी जो है कैटेगरी है द कैंडिडेट शुड बी अ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस, सी जो है वो बलूचिस्तान वालों के लिए है। डी कैटेगरी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा KPK वालों के लिए। ई जो है वो आज़ाद कश्मीर के लिए। ई जो है लिपा वैली है एक आज़ाद कश्मीर में उनके लिए है। उसके बाद है जी ई नॉर्दर्न एरियाज गिलगित बल्तिस्तान। H1 जो है वो फॉरेन के कंट्रीज, द कैंडिडेट हैविंग फॉरेन नेशनैलिटी कैन अप्लाई अंडर H, जिनके पास फॉरेन की नेशनैलिटीज है वो H के में अप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है H2 अफगान नेशनल, H3 इंडियन हेल्ड कश्मीर के लिए, H4 जो है वो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए। आई पंजाब डोमिसाइल हैविंग पास DAE इन रेलिवेंट फील्ड कैन अप्लाई रिजर्व सीट्स अंडर आई कैटेगरी, ठीक है। आई कैटेगरी डिप्लोमा वालों के लिए। J1 जो है द चिल्ड्रन ऑफ नॉन कमीशन एंड जूनियर कमीशन ऑफिसर नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स बिलोंगिंग टू आर्मी एयरफोर्स नेवी कैन अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। J1 जो है ये स्पेसिफिकली रिजर्व सीट्स होती हैं आर्मी ने जो ब्रात से होते हैं उनके लिए। J2 द चिल्ड्रन ऑफ कमीशन ऑफिसर्स गेजेटेड, ठीक है। J1 नॉन कमीशन के लिए और J2 जो है वो कमीशन ऑफिसर्स जिनके पेरेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आगे डिटेल्स भी लिखी हुई है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद K कैटेगरी है फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज के लिए। L कैटेगरी जो है वो जो बैकवर्ड एरियाज हो गए बावलपुर, रहीमियर खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, झंग, अटक, चकवाल, मियाँ वाली, डेरा गाजी खान एंड झेलम, ठीक है। इनके लिए एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी जो है रिजर्व सीट पे अप्लाई करते हैं अपने इलाके की सीट के ऊपर, तो उसमें ये होता है कि उसमें मेरिट ज़्यादा हाई होता है और अप्लाई करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं उस 2-3 सीट्स के लिए। इसलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि अगर आप रहीमियर खान पे से या इन सिटी से बिलोंग करते हैं तो फिर भी आप लोग जो है ओपन मेरिट पे भी अप्लाई करें, सिर्फ अपनी रिजर्व सीट पे अप्लाई ना करें, क्योंकि रिजर्व सीटें सिर्फ 2-3 होती हैं और ओपन मेरिट की सीट्स हंड्रेड्स में होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए रिजर्व सीट पे खाली अप्लाई मत कीजिएगा, अपनी ओपन मेरिट पर भी लाजमी अप्लाई कीजिएगा। अच्छा, तो M कैटेगरी जो है वो एम्प्लॉयज ऑफ UET के लिए। N पंजाब डोमिसल चिल्ड्रन ऑफ इंजीनियर्स आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर्स के लिए। O कैटेगरी जो है अलुमनाई ऑफ UET लाहौर, ठीक है। और उसके बाद जो है P कैटेगरी द एप्लीकेंट शुड बी अ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ पंजाब एंड शुड बी पास BSc इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन इक्विवेलेंट डिग्री, ठीक है। और उसके बाद Q कैटेगरी जो है वो जिस तरह मैंने आपको बता दिया वो बैकवर्ड में आ जाएगी, दी एप्लीकेशन शुड बी बोनाफाइड रेजिडेंट लैया एंड बकर के लिए R है। और इसी तरीके से बाकी कैटेगरीज भी आप अपने सामने देख सकते हैं, फाटा के लिए और डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए T कैटेगरी है। तो ये सारा कुछ आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई करना है। मोस्टली अगर स्टूडेंट्स आपको समझ नहीं लगती तो प्लीज़ 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 पूछ लीजिएगा। और A1 कैटेगरी मोस्टली स्टूडेंट्स की बनेगी A1, लेकिन अपनी जो भी आपकी रेलेवेंट कैटेगरी है उसको वेरीफाई करके फिर अप्लाई करना है, ठीक है। मैंने दोबारा बता दिया है, मैं समराइज कर देता हूँ। प्रेफरेंसेस ख्याल से सिलेक्ट करनी है, आप लोग जो है वो नीचे वाली प्रेफरेंस में नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने गलत प्रेफरेंस ऊपर रख दी है तो फिर नीचे की तरफ आप लोग मूव नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो आप लोगों ने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है बहुत केयरफुली करनी है। बाकी जो अगर आपको प्रोसीजर के अंदर अप्लाई करते हुए अगर कोई मुश्किल पेश आ रही है उसके लिए आप लोगों ने ऑफिशियल जो हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है everglades.academy.pk उसके ऊपर जाना है और आपने डिटेल लिखनी है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रही हैं उसमें, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग नहीं लिखते। जब तक कंप्लीट नहीं लिखेंगे तो तब तक मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि उसका सोल्यूशन को फाइंड आउट करना। कम्प्लीट लिखें कि आप लोगों को किस जगह पर प्रॉब्लम आ रही है। बेहतर ये कि उस जगह का स्क्रीन शॉट ले लें, मोबाइल से तस्वीर खींच लें जिस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, और वो लेकर वो सेंड करें मुझे,
एवरग्लेड्स अकेडमी डॉट पी के हमारा ऑफिशियल अकाउंट है एवरग्लेड्स अकेडमी का इंस्टाग्राम पे, उसको फॉलो भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स वहाँ पर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को असिस्ट करूँगा इस प्रोसेस के अंदर, और आपकी जैसा कि 20 जुलाई लास्ट डेट भी है तो जल्दी से अप्लाई कर लें आप लोग। और इसके साथ साथ अगर कोई भी मसला आपको आता है तो प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल मेरे साथ कोऑर्डिनेट आप लोग कर लें, ऑलवेज़ वेलकम। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा वेट कीजिएगा मैसेज करने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस मेरे पास जो है वो मेल फीमेल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हुए होते हैं, तो रिप्लाई करते हुए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों का चाहिए होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड की होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मैं मज़ीद जो है प्रिपरेशन के हवाले से भी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।